रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में कल है फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट में साबित करनी है बहुमत नीतीश कुमार को, लेकिन अपने अपने विधायकों को लेकर ऐसे जेल में बंद कर रहे हैं जैसे कि विधायक जो हैं यहाँ पर पाला बदलते नजर आएंगे। वैसे इसमें शक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर विधायकों पर ही सारी बातें अटकी नजर आ रही हैं। आरजेडी को डर है कि उनके विधायक यहाँ पर जेडीयू ना ले जाए, जेडीयू को डर है कि आरजेडी यहाँ पर उनके विधायक ना ले जाए, और कांग्रेस और भाजपा भी अपने अपने विधायकों को यहाँ सेफ करती नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इन सब पूरी चीजों के बीच में तेजस्वी यादव को लेकर एक खुशखबरी कह लीजिए या फिर गुड न्यूज कह लीजिए। आपको बता दें कि जब से यहाँ पर देखा गया, जब से एक हफ्ते पहले से एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तभी तेजस्वी यादव ने एक भविष्यवाणी यहाँ पर कर दी थी कि इस बार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे यहाँ पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर। और कहीं ना कहीं आज जब कह सकते हैं कि बस चंद घंटे बचे हैं फ्लोर टेस्ट में, यहाँ पर अब ये बात सच होती हुई नजर आ रही है। यहाँ जो जेडीयू के विधायक है, दल बदलने की बात करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बीमा भारती नाम की जो विधायक है वो तो यहाँ पर तेजस्वी के गुणगान करती नजर आ रही है, गोपाल मंडल भी यहाँ पर आरजेडी के गुणगान कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देख कर कहा जा रहा है कि तेजस्वी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर बिहार की जनता को लेकर बातचीत की जाए, बिहार की जनता भी आज ये मानने लगी है कि सीएम तो तेजस्वी को बना, तेजस्वी है तो इतने हजार नौकरियां हैं, नीतीश के राज में तो युवा बेरोजगार घूम रहा है। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जब हमें बिहार के मुद्दे पर लाइव सेशन करते हैं, तमाम दर्शक बिहार से होते हैं, यहाँ अपनी अपनी राय रखते हैं तो कहते हैं कि तेजस्वी ने चाहे कुछ दिया हो या ना दिया हो लेकिन नौकरियां दी हैं। और इस देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कहीं ना कहीं रोजगार। जो रोजगार देता है वो देवता जरूर बनेगा, आज नहीं तो कल देखने को जरूर मिलेगा। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।